अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैंने बनाई थी बहुत टेस्टी सा आलू का पराठा, जो देखो अंदर डीप तक फीलिंग है। मेरा भाई खा रहा था, मैंने बोला एक बार मैं इसको खोल के दिखाती हूँ, मतलब कितना डीप तक फीलिंग है। जैसे हम लोग टमाटर केचप का सिरप टमाटर केचप के साथ हम खाते हैं आलू का पराठा, वैसे ही ये सिरप बनता है जो घर पे बनाते, आटे की लस्सी बोलते हैं इसको, जो कि बहुत टेस्टी और बहुत इजी है। इससे आलू के पराठे में दुगना टेस्ट आ जाता है। चलो मैं आटा सान रही हूँ। आटे में मतलब नॉर्मली जो हम रोटी के लिए आटा सानते हैं वैसा नहीं सानना होता, ज़्यादा पानी यूज़ करना होता है। ये देखो मैंने स्पाइसी टाइप का आलू के पराठे का फिलिंग रेडी कर ली हूँ। अब मैं इसको आराम से इसमें फिल करूँगी और ज़्यादा क्वांटिटी फिल करूँगी, और ये हाथ से पूरा मैं करूँगी। बड़ा सा जो बनता है ना आलू का पराठा, इसमें हम लोग रोटी की तरह बेले लेंगे नहीं, इसको नॉर्मली ऐसे हाथ से ही डिप करना होता है, जो कि बहुत टेस्टी बना था अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पहले सब लोई में फिलिंग करके रख दूंगी साइड में। फिलिंग करने के बाद उसको फिर गैस को ऑन करके उसके बाद में कंटिन्यू सेकूंगी पराठा। पहले सारा फिलिंग करके रख देती हूँ, रेडी कर देती हूँ। मेरा सारा फिलिंग रेडी हो गया। अब मैं एक एक करके आलू का पराठा सेक रही हूँ, जो कि वो कितना अच्छा फूल रहा है। जितना अच्छा आपका पराठा फूलेगा ना, उतना फीलिंग मतलब सब जगह है। बहुत टेस्टी बना था, सबने खाए थे बहुत ही, मतलब ऐसा होता ना कभी नमक कम हो जाता है या तीखापन, लेकिन नहीं, सब इक्वल क्वांटिटी थी, बहुत टेस्टी बना था। आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अच्छे से कमेंट करिए। मैं भाई को सर्व करने जा रही हूँ।